हमारे बीच में आ चुके हैं श्री कन्हैया मित्तल जी, जिनके सुनने के लिए आज यहाँ पर भीड़ आई है और आप सभी यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। जय श्री राम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, तो आइए हम सुन रहे थे अजय सर को। जोरदार तालियां हो जाएं अजय जायसवाल जी के लिए। तो बस अब इंतज़ार के लम्हे ख़त्म होने को हैं। श्री कन्हैया मित्तल जी ने अपनी उपस्थिति दे दी है आज के इस शाम में, वो आ चुके हैं। कुछ ही देर में हम सभी सुनने वाले हैं श्री कन्हैया मित्तल जी के भजन, और यहाँ पर सभी लोग आए हैं उनको सुनने के लिए। और एक बार जोरदार तालियां सारे लोग बजाएंगे कन्हैया जी के लिए। और देखिए श्री कन्हैया मित्तल जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने जो सबसे फेमस उनका गीत हुआ था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और बहुत सारे भजन उन्होंने हमें दिए हैं। और आइए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी क्रम में आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आप सभी की दमदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि जी, आज के इस भजन संध्या के माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी, कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। दैनिक जागरण द्वारा आयोजित भजन संध्या के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में कन्हैया मित्तल जी आ चुके हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं माननीय विधायक नीरज बोरा जी का, सदस्य विधान परिषद अवनीश सिंह जी का, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी का, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह जी का, ऐशबाग रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हरिश्चंद अग्रवाल जी का, आदरणीय आदित्य द्विवेदी जी का, दैनिक जागरण परिवार के आदरणीय जेके द्विवेदी जी का, आदरणीय कपिल जायसवाल जी का, आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी का, हमारे पार्षद आदरणीय गिरीश गुप्ता जी का, मिसेज गिरीश गुप्ता जी का, आदरणीय सैलू सोनकर जी का, अजय बारी जी का, सोनू वाजपेयी जी का, उपस्थित सभी हमारे क्षेत्र के भाइयों का, बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में पधार चुके हैं। 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों दुनिया के सामने लोकार्पण होना है। ऐसे अवसर पर पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान और पूरा ब्रह्मांड आज राममय हो चुका है।
संदीप बंसल जी भी हमारे बीच में हैं, और इस राममयी बेला में दैनिक जागरण परिवार ने रामोत्सव के बाद कन्हैया मित्तल जी के माध्यम से भजन संध्या का भव्य आयोजन किया है। इसके लिए मैं जागरण परिवार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जागरण परिवार हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़ करके रहा है, और उसी कली में कदम आगे बढ़ाते हुए लगातार भगवान राम के भजनों को, रामोत्सव को पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम जागरण परिवार आयोजित कर रहा है। मैं जागरण का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अपने मित्र कन्हैया मित्तल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रभु राम की कृपा कन्हैया मित्तल जी पर है, और कन्हैया मित्तल जी के भजनों ने, हम सबको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, उस समय कन्हैया मित्तल जी का गाना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस धुन ने पूरे देश को नाचने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे कन्हैया मित्तल जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, चूंकि ठंड का मौसम है तो कन्हैया जी के बीच में और अपने आपके बीच में बहुत व्यवधान न बनते हुए, मैं पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रभु श्री राम से दंडवत विनती करता हूं कि हमारे सब लोगों का, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का कष्टों का नाश करें, और सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, और जब भी आपको अवसर मिले, नंबर आए, प्रभु राम के दरबार में जाकर मत्था टेके और आशीर्वाद ले। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो आइए इसी के साथ अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, श्री ब्रजेश पाठक जी से, डॉक्टर नीरज बोरा जी से, माननीय विधायक जी से, और श्री कपिल जायसवाल जी, जीएम दैनिक जागरण के, आप कन्हैया और श्री अजय जायसवाल जी से, स्टेट ब्यूरो चीफ, कि आप श्री कन्हैया मित्तल जी का स्वागत करें, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे हम सब मिलके। आप सब तैयार हैं? तो आइए साथ में कहते हैं जय सिया राम, जय सिया राम। बस कुछ ही दिनों का इंतजार और प्रभु श्री राम आने वाले हैं, जिसका इंतजार इस देश में हर किसी को था। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद वो दिन आने वाला है। बहुत स्वागत श्री कन्हैया मित्तल जी का, स्वागत अभिनंदन। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय विधायक जी को, डॉक्टर नीरज बोरा जी को, कि सर आप कुछ शब्द कहें, हम सबका मार्गदर्शन करें। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए डॉक्टर नीरज बोरा सर का। एक बार मेरा समर्थन करेंगे, बोली जय श्री राम, जय श्री राम। दैनिक जागरण की इस अद्भुत प्रस्तुति, भजन सम्राट विश्वविख्यात आदरणीय श्री कन्हैया मित्तल जी के इस समारोह के मध्य हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की शान मुख्य उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय श्रीमान मुकेश शर्मा जी एमएलसी, श्रीमान अवनीश सिंह जी एमएलसी, श्रीमान पवन सिंह जी एमएलसी, आदरणीय श्रीमान अजय जायसवाल जी, आदरणीय श्रीमान जेके द्विवेदी जी, आदरणीय श्रीमान कपिल जायसवाल जी, और मैं समझता हूं कि हमें बिल्कुल भी बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए,
लेकिन यह सत्य है कि हमारे बीच में आज एक सिर्फ भजन गायक ही नहीं, हमारे बीच में जो हमारे वैसे तो अनुज हैं, बहुत प्रिय हैं, परिवार के हैं, श्री कन्हैया मित्तल जी उपस्थित हैं। और हम लक्ष्मणपुर निवासी एक बार जोरदार हाथ उठा के करतल ध्वनि से अभिनंदन करें आदरणीय श्रीमान कन्हैया मित्तल जी का, जोरदार तालियों के साथ बोले जय श्री राम, जय श्री राम। और इनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यह भगवान के भक्त तो हैं, हनुमान के भक्त तो हैं, और राम के भक्त तो हैं, और श्याम के भक्त तो हैं, लेकिन यह एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने संकल्प लिया और अपनी चरण पादुकाओं को त्यागने का काम किया कि जब भगवान विराजमान हो जाएंगे तब तक मैं चरण पादुकाओं को नहीं ग्रहण करूंगा, तब से सिर्फ नंगे पैर चल रहे हैं। यह संकल्प प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति जब आज 22 तारीख करीब हो रही है तो निश्चित रूप से वंदनीय है, अभिनंदनीय है। पुनः मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम देता हूं। जय श्री राम। तो आइए इसी क्रम में अब इस कार्यक्रम का आयोजन दैनिक जागरण द्वारा कराया गया है और दैनिक जागरण का अब तक का सफर, अब तक की जर्नी एवी द्वारा आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो काइंडली प्लीज प्ले द एवी। At the stroke of the midnight hour, India will awake. Must necessarily lead us to unity. President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ सारे जहाज से अच्छा। Plane has just hit another building. Terrorists have struck once again. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। I joined politics because of my profound belief in this country. मैं दैनिक जागरण ग्रुप को और मीडिया के तमाम साथियों को और वहां उपस्थित सभी महानुभावों को साधुवाद देता हूं। दैनिक जागरण। आप सभी के सामने दैनिक जागरण की जर्नी के कुछ हिस्से आप सबके सामने एवी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसी क्रम में अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री अजय जायसवाल सर से, श्री कपिल जायसवाल सर से और श्री जे के द्विवेदी सर से कि आप हमारे बीच में
सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी आ चुके हैं, उनका स्वागत करें आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में। आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के जरिए, जितने भी लोग बैठे हैं एक बार जोरदार तालियां। मैंने इतनी जोरदार तालियां कभी नहीं सुनी है, इवन कन्हैया जी ने भी इतनी जोरदार तालियां कभी नहीं सुनी। एक बार जोरदार तालियां प्लीज बजा के बताइए। शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। तो आइए इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आप सभी की जोरदार तालियों के साथ दैनिक जागरण के महाप्रबंधक विपणन श्री कपिल जायसवाल सर को। आइए जोरदार तालियां हो जाए। अंकुर शर्मा जी और शिष्ट वशिष्ठ जी जहाँ भी बैठे हैं प्लीज आगे आ जाएं आप लोग फर्स्ट रो में। जय श्री राम। मैं जागरण परिवार की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी ठंड में आप लोग यहां पे आए, तो मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहां बुलाया गया है। मैं सर्वप्रथम कन्हैया मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया और इस राम यात्रा में हमारे साथ शामिल हुए। मैं श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे उप मुख्यमंत्री जो विशेष मुख्य अतिथि हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने नीरज वोरा जी का, बाकी हमारे सारे जितने MLC हमारे यहाँ पे मौजूद हैं उनका स्वागत है। जेपीएस राठौर जी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग ने इतनी देर धैर्य रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद बस अब आपकी सारी घड़ियाँ जो इंतजार की थी खत्म होती हैं, क्योंकि सारे लोगों ने वहाँ कन्हैया मित्तल जी को भी घेर रखा है, तो उनको स्टेज पर बुलाएंगे। हमारी जो आज की संचालिका है वो आपको इस बारे में थोड़ा सा बताएंगी। कन्हैया मित्तल और फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे। धन्यवाद। तो आइए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ अब वो वक्त आ गया है, वो लम्हा आ गया है जिसका इंतजार यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स को था। तो जी हाँ, अब हम सुनने वाले हैं श्री कन्हैया मित्तल जी को। और कन्हैया मित्तल जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हारे का सहारा भवन में आए हैं श्री राम भजन, जो कि अयोध्या में आधिकारिक पहला भजन रिलीज किया गया था। तो आइए हम सभी स्वागत करते हुए, और पहले तो एक बार जय श्री राम का नारा हम सब मिलकर लगाएंगे, जयकारा लगाएंगे, प्रभु श्री राम जी को याद करेंगे। तो जय श्री राम, दोनों हाथ ऊपर करते हुए, जितने लोग उस तरफ बैठे हैं इस तरफ बैठे हैं, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं, तो आइए एक बार जोरदार शोर मचाते हुए मंच पर स्वागत हो जाए श्री कन्हैया मित्तल जी का। एवरीवन, 3, 2, 1, एक बार जोरदार शोर हो जाए आप सभी की तरफ से। जय जय सियाराम। लखनऊ, मैं, मेरे हृदय में जितना भारत बसता है उतना ही लखनऊ भी बसता है, क्योंकि लखनऊ
मैं कहूंगा अगर मेरा भाग्य उदय चंडीगढ़ से हुआ तो मुझे जो प्यार का उदय हुआ वो लखनऊ से हुआ। जो लोगों ने मुझे प्यार दिया उत्तर प्रदेश ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई ब्रजेश पाठक जी बैठे हैं, हमारे बोरा जी यहां से विधायक, सभी को प्रणाम। शुरू करें जी, एक बार हमारे खाटू वाले श्याम जी का भी बोल दो, जय श्री श्याम, खाटू नरेश की। आइए रूपेण संस्थित माधुमा मती रूपेण संस्थित
सड़ी महासरी रूपेण गुड़गा मामाली रूपेण नमस्तस्ये 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 अपनी देवी को और खासकर जो अपनी माँ जिसने जन्म दिया एक बार उसके लिए दोनों हाथ उठे। मंदिर में 16 बार माथा टेकेंगे लेकिन दिन में 16 बार अपनी जिसने जन्म दिया उस माँ को भी याद नहीं करते। दोनों हाथ उठा के माँ के लिए, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, लोगों को ब्लॉक कर देना, वो आज भी आपके काम के नहीं है, वो कल भी किसी काम के नहीं होंगे। जिसको राम राम कहने में शर्म आती हो, बम्बा शिव समा शिव समान दाता नहीं विपत विदारण लोग भोले बाबा को बदनाम करते हैं। खुद का नशा नहीं छूटता, सुल्फा गांजा पिएंगे भोलेनाथ का नाम लगा देंगे, बोले वो भी तो नशा करते हैं। सुन लेना, सनातन धर्म में कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो किसी नशे का सेवन करता हो। सनातन धर्म तो खुद एक नशा है, जिस पे चढ़ जाता है फिर दूसरा रंग उस पे चढ़ता नहीं है। भोलेनाथ कोई नशा नहीं करते, इसीलिए गाना ओम नमः शिवाय बोलो। आदरणीय डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं, चार शक्तियां हमारी रक्षा सुरक्षा करती है। पहली शक्ति कुल देवता, मित्तल बनेगा, पाठक बनेगा, गुप्ता बनेगा, यादव बनेगा, क्या बनेगा ये कुल देवता निर्धारित करते हैं। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, कहां रहेगा, कैसे रहेगा ये इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। तीसरी शक्ति कुल देवी, मेरी माताएं बहनें ध्यान देना, माताएं बहनें ध्यान देना, जो डॉक्टर कहता हो कि आपकी गोद नहीं भर सकती उस डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर साहब क्या वो मां चाहे तो क्या मेरी गोद नहीं भर सकती। दुनिया में एक भी डॉक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि उसके हाथ में नहीं है, वो यही कहेगा जहां मेरा विज्ञान खत्म होता है वहां तुम्हारी आत्मभवानी शुरू होती है। ये मां की शक्ति है। और चौथी शक्ति मेरे पितर जी महाराज, महाराज
हमारे पूर्वज मानते हो? कौन कौन मानता है पितरों को? नहीं मानते साहब, चौथी पीढ़ी नहीं पता हमको नाम उनका, परदादा के पिता का नाम नहीं पता हमें, और हम कहते पूर्वजों को मानते हैं, पितरों को मानते हैं। मानना सीखो, पितृ दोष से बचना चाहते हो सभी? एक बात का जवाब देना, स्वर्ग एक है कि दो है? जोर से देना, एक है कि दो है? इस समय आपके पूर्वज भी वहां बैठे हैं और मेरे पूर्वज भी वहां बैठे हैं। दैनिक जागरण परिवार, आपने एक बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है उस सभी भक्तों को। इन सबका पितृदोष 50% खत्म कर दिया आप सबने इनको बुला के। उसका कारण, स्वर्ग में इस समय आपके पूर्वज भी बैठे हैं और मेरे पूर्वज भी बैठे हैं। आपस में क्या बात कर रहे होंगे, भाई आज तो लखनऊ में मजा आ गया, मेरा पोता भी भगवाधारी है और तेरा पोता भी भगवाधारी है, तो वो राजी हो रहे होंगे कि नाराज हो रहे होंगे? दोनों हाथ उठा के जरा पूर्वजों के लिए ताली बजा कर गाना। जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है बाबा, उत्थे कोई बैठा होवेगा। करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। अब जो नाम लेने जा रहा हूं, देखता हूं भगत कितने आए हैं और आशिक कितने आए हैं। खाटू वाले श्याम जी, खाटू वाले श्याम जी का माल हो गया, तेरा बाबा माला माल हो गया, तेरा बाबा माला माल हो गया। जब चढ़गी क्या बात है, जब चढ़गी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। जब चढ़गी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। कभी सुबह जपता कभी शाम जपता, जो नाम जपता हो और चाहता हो कि खाटू वाला हमें भी बुला ले, दोनों हाथ उठाना और सारे कैमरे भक्तों की ओर हो। पता लगे उत्तर प्रदेश की जवानी अगर नशा करती है तो सांवरे के नाम का नशा करती है। ताली बजाकर जोरदार, एक ताली छा, क्या बात है। खाटू नरेश की, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है। तैयार हो खाटू जाने के लिए? डिप्टी सीएम साहब थोड़ा व्यस्त हैं, जा रहे हैं, लेकिन मैं छोटा सा निवेदन करूंगा कि श्याम बाबा के भक्त हैं, एक सरकारी बस लखनऊ से खाटू श्याम जी के लिए चल जाए तो इनको भी सस्ते में बाबा के दर्शन हो जाए। दोनों हाथ उठाना, कौन कौन चाहते हो कि बस चलनी चाहिए कि नहीं? जो चाहते हैं बस चलनी चाहिए। भैया ने जो कहा है वो बस चल जाएगी, हम परिवहन मंत्री जी से जरूर कहेगा, बस चलेगी भाई। खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है। वो दिन में 100-100 बार जय श्री श्याम कहता है, 100-100 बार जय श्री श्याम कहता है। वो प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है। खाटू जाने के लिए तैयार करता है, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं। तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं, तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं। वो जिन्हें दिखता ही ये जय हो, आपसे सुनना चाहता हूँ एक बार, जिन्हें दिखता ही
और जिनमें दिखता ही बस घनश्याम हो परवाह नहीं संसार की दिखता ही बस घनश्याम हो परवाह नहीं संसार की। देखो इधर वाले मुझे वृंदावन वाले लग रहे हैं और इधर वाले मुझे बरसाने के लग रहे हैं। थोड़ा आवाज कम करना जरा इनकी आवाज सुने, देखते हैं वृंदावन जीतता कि बरसाना जीतता है। खाटू वाले श्याम जी रहने देते, मुझे लगता नहीं इतनी आवाज आएगी। चलो एक बार कोशिश करते हैं, आवाज आनी चाहिए बरसाने वालों। खाटू वाले श्याम जी, हे श्याम बाबा, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता मगर आपको मेरी कसम है, आज दैनिक जागरण परिवार में जितने भी लोग आए हैं अगर उठाएं दोनों हाथ तो आप चले जाना इनके साथ, और अगर बजाएं ताली तो 12 महीने मनाएं दिवाली, और अगर मचाएं शोर तो कभी ना रहे कमजोर। सहकारिता मंत्री जी भी बैठे हैं, वो आता होगा, और तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर में कीर्तन होगा, तुम भी आना, मेरे घर में कीर्तन होगा, ओ आशा रख पगले रात करता है। देखो मैं बड़ा भगवान के मामले में मैं थोड़ा लालची इंसान हूं, और दैनिक जागरण का मंच हो और मांगू ना तो फिर कैसी बात बने। एक सरकारी बस हमें डिप्टी सीएम जी दे गए, एक तोरण द्वार भी लखनऊ के इस इलाके में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो हमारे सहकारिता मंत्री जी भी बैठे और विधायक जी भी बैठे हैं, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जय श्री श्याम कह दो जोर से। बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, ओ मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, इत्र लगा कर बाबा वो किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो मुझे मुझे इन्होंने दैनिक जागरण वालों ने कहा कि आप आइएगा, भजन संध्या होगी, कुछ भगत मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है भगत एक भी नहीं आया, सबके सब आशिक आए हुए हैं बाबा के साथ। किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं, तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं, जिन्हें दिखता ही आज कईयों ने जो रोज दुकान 9 बजे बंद करते होंगे आज 5 बजे ही बंद कर दी होगी, ऐसे भी आए हैं क्या? हाँ, पड़ोसी ने सोचा होगा आज क्या बात, जल्दी जा रहे हैं, उसको क्या पता जो 3 घंटे पहले बंद करी है कल 3 मिनट में कमा कर बैठ जाएंगे, क्योंकि जिन्हें दिखता ही, जिन्हें दिखता ही बस घनश्याम हो परवा।
नजदीक आ गया हूँ ताकि आपको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। खाटू वाले श्याम जी, ओ खाटू वाले श्याम जी, लखनऊ तेरा बाबा, लखनऊ तेरा बाबा, ओ जब चढ़ेगी, ओ जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की, जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, क्या बात है, परवाह नहीं संसार की। जिंदगी के दुखों से कभी उदास नहीं होते, उत्तर प्रदेश में रहने वाले कभी निराश नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती है साहब जिनके हाथ नहीं होते। हमें तो हाथ दिए हैं भगवान के लिए उठाना, किसी और के लिए नहीं। ताली बजाकर जरा जोरदार, एक ताल, एक हाँ। झोली भरने में बाबा श्याम देर न करे, झोली भरने में बाबा श्याम देर न करे, देर होगी मगर वो अंधेर न करे, देर होगी मगर वो अंधेर न करे। माला यूपी ही, माला यूपी जपे तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की, माला यूपी जपे तेरे नाम। खाटू वाले श्याम जी, लखनऊ तेरा बाबा, क्या बात है, एक एक भगत सवा सवा लाख के बराबर आया हुआ है। एक बार कह दो श्याम बाबा, ओ मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, फिर हाथ रख दीजिए, मुझ पे कृपा कर दीजिए। झोली भर दीजिए श्याम बाबा, मेरा काम कर 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 दीजिए श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। पूरा भारत यूपीमय हो रहा है, राममय तो है ही, लेकिन जितनी श्रद्धा से यूपी को देखा जा रहा है वो श्रद्धा बहुत बड़ी है। आइए प्रभु राम के स्वागत में दैनिक जागरण पूरे परिवार ने लखनऊ में ये सुंदर आयोजन कराया, एक बार जरा जोरदार तालियों से इस बात का अभिनंदन होना चाहिए। हम भी स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे राम जी का, एक बार जोर से जय श्री राम बोलो। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वारिस जाओ, भांति भांति के
व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ, मुक्त मगन हो नृत्य करो तुम लेकर उनका नाम। क्या क्या अवध में आए हैं श्री राम, 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 आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में याद कर लीजिए। मैं बीच में पूछता रहूंगा, आपकी बारी आएगी। मिट्टी से चौका लिखो तुम वंदन वार सजाओ, वंदन वार सजाओ, भात भात के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग मगन हो नृत्य करो तुम लेकर उनका नाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। दोनों हाथ उठा के जरा लहरा दो, एक बार पता लगे किस किस के घर में राम जी आए। अयोध्या जी में था, जिन संतों की आंखें राम मंदिर को देखते देखते पथरा गई थी कि तंबू में बैठे हैं, आज उन संतों की आंखों में एक नया जुनून देखा, प्रेम देखा, आंखें भरी हुई थी। सही मायने में सिर्फ राम नहीं आ रहे हैं, हमारे देश में फिर से मर्यादा लौट कर आ रही है और उसी का स्वागत हम सब कर रहे हैं। केवट ने जैसे पग धोए नैनन जल बरसाओ, नैनन जल बरसाओ, नैनन जल बरसाओ, भव सागर को पार करो तुम, भव सागर को पार करो तुम लेकर उनका नाम। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। जनवरी को क्या करना है आप सबने, मैं बताने जा रहा हूं। द्वार पे रंगोली अक्षत चंदन उस पर दीप जलाओ, उस पर दीप जलाओ, उस पर दीप जलाओ। पांच दिए जलाने हैं, पांच किसके,
राम लक्ष्मण जानकी जय बोला। और पांचवा दिया उनके लिए जिन्होंने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, कार सेवकों के लिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए, ये पांच दिए होने चाहिए। दोनों हाथ उठाकर वादा करो कौन कौन जलाएगा। क्या बात है, सत्य सनातन धर्म की बारी रंगोली अक्षत चंदन उस पर दीप जलाओ, उस पर दीप जलाओ, उस पर दीप जलाओ, पीठे पे बिठा कर प्रभु को खुद शबरी बन जाओ, खुद शबरी बन जाओ, शबरी माता। हम अभी ऑस्ट्रेलिया गए कीर्तन के लिए, तो वहां एक बच्चे ने सवाल किया कि माता शबरी ने जूठा बेर राम जी को खिलाया और वो बड़ी अजीब सी दिखती थी, जब जूठा बेर खिलाया होगा तो शबरी का सलाविया भी लग गया होगा बेर पे और राम जी उसे भी खा गए, ये क्या हुआ समझ नहीं आया। वो बच्चा बच्ची छोटी थी, मैंने उसको कहा बेटा जब तू एक साल की थी या छह महीने की थी तो तेरी माँ तुझे सेरेलेक खिलाती थी और सेरेलेक सीधा तेरे मुंह में नहीं डाल देती थी, पहले खुद खा के चेक करती थी कहीं गर्म तो नहीं है, बच्चे का मुंह तो नहीं जल जाएगा। यही काम माता शबरी ने किया, पहले खुद खाया फिर राम को खिलाया। और जो शबरी की माता की भावनाओं को जानते हैं जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर कह दो जय श्री राम। पीठे पे बिठा कर प्रभु को खुद शबरी बन जाओ, जाकर देखना तीन लोक में सबसे सुंदर, तीन लोक में सबसे सुंदर राम लला का धाम। आपको गाना है अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। कई लोग मुझे पूछते हैं कन्हैया जी आप जहां जाते हो इतनी भीड़ क्यों आती है, मैं बोला बाकी जगह हिंदू आते हैं अपने यहाँ कट्टर हिंदू आते हैं साहब। भवन में आए हैं श्री राम, 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 भवन में आए हैं श्री राम। दोनों हाथ लहरा के बताना किस किस के आया है। अवध में जी आप गाते हो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे,
तुम राम को लाने वाले कौन हो? मैं उन्हें समझाता हूं, केवट जिसने अपनी नैया में राम को बिठा के एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर गया, लेकिन दुनिया क्या कहती है कि केवट ने राम जी को पार लगा दिया। वो त्रेता के केवट थे, कलयुग के केवट हमारे मोदी जी हैं, जो तंबू से लेकर महलों में आ रहे हैं। बस इतनी सी बात किसी को समझ नहीं आती। समझ तो आती है लेकिन हजम नहीं होती साहब। कुछ लोग कहते हैं, बोले राम के नाम को इन्होंने राजनीति कर दी। तो मैं बोला, भाई 22 तारीख को हम राम को सजा रहे हैं, तुम जाओ मथुरा सजा लो, अभी भी पेंडिंग है अगर सनातनी हो तो। पीठ है, यह समझने वाली बात है। कब तक मूर्ख बनाते रहोगे सनातनियों को? अब ये हिंदू मूर्ख बनने वाला नहीं है साहब। अब तो जय जय सिया राम होगा, बम बम होगी, और इसके बाद हरे कृष्णा भी होगा साहब। मथुरा भी सजाएंगे, ताली बजाकर। सरयू जी के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी है, पुष्प लिए नर नारी है, पुष्प लिए नर नारी है। साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है, स्वागत की तैयारी है, स्वागत की तैयारी है। राम लला की चरण धूल का, राम लला की चरण धूल का, नहीं है कोई दा। अवध में आए हैं श्री राम, राम श्री राम। मैं आपको अपना करिश्मा बताता हूं। 14 तारीख को मैंने चांदी की खड़ाऊ ली 5 साल के बच्चे की, कि मैं अयोध्या जा रहा हूं और चंडीगढ़ से मुझे न्योता आया है, तो क्यों ना मैं मेरे पूरे शहर को अयोध्या जी ले जाऊं। लेकिन कैसे लेकर जाता? तो 5 साल के बच्चे की चांदी की चरण पादुकाएं मैंने ली और अपने तकरीबन शहर को हाथ लगवाया। और 14 तारीख से मैंने अपना भी जूता छोड़ दिया कि राजा राम के खड़ाऊ तो मेरे पास है, तो मैं पहन के क्या करूंगा। आप यकीन मानना, 4 दिन 14 से लेकर 18 तक वो मेरे हाथ में थी और मैं नंगे पैर था, मुझे ठंड नहीं लगी। लेकिन रात को जैसे ही मैंने माननीय चंपत राय जी को वो समर्पित करी, उसके बाद से ठंड थोड़ी सी लगने लग गई साहब, क्योंकि ये राम जी का साथ ऐसा ही होता है, महसूस करा देते हैं। किस किस के भवन में आएंगे राम जी? दोनों हाथ उठाकर कहना, भवन में आए हैं श्री राम, 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 अवध में आए हैं श्री राम, भवन में जय श्री राम। आज कैसे बोलते हैं? तो तुम तो पहले भी यही थे या इंग्लैंड चले गए थे? तो ये वोल्टेज कहां से आई समझिए। जब 72 साल के प्रधानमंत्री भोलेनाथ को मनाने के लिए -3 डिग्री केदारनाथ चले जाते हैं, तब एक सनातनी जय श्री राम इतनी जोर से ही बोलता है साहब। एक बार और कह दो जय श्री राम। एक भजन
आज पूरी दुनिया गा रही है। भजन भगवान का होता है, कलाकार का नहीं होता। और जो भजन गाते हैं वो कलाकार की श्रेणी में नहीं आते, वो सेवादारों की श्रेणी में आते हैं। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे अपने भजन गाने के लिए चुना। कहीं शाहरुख खान सलमान खान के पीछे गवा देता तो ये जीवन खराब हो जाता साहब। राम के पीछे गाता हूं, इससे बढ़कर सौभाग्यशाली मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। मेरी झोपड़ी के भागा ये है सत्य, ये है राम। राम धरती भी है, राम आकाश भी है, राम वायु भी है, और राम जन जन के राम है। आज मुझे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि कन्हैया जी राम मंदिर के लिए आपका मुसलमानों को क्या कहना है, तो मैंने यही कहा साहब जितने भी देश के मुसलमान हैं सबका स्वागत है अयोध्या श्री राम मंदिर में। राजा राम सबके हैं साहब, किसी एक के नहीं है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे सीता राम आएंगे। थोड़ा आप लोग कम करो आवाज, इनकी आवाज सुनते हैं। सीता राम आएंगे हनुमत के राम आएंगे भारत के राम आएंगे यूपी के राम आएंगे। कभी किसी ने सोचा कि राम जी तो अवधी हैं, वो हिंदी में नहीं बोलते होंगे, अवधी में बात करते होंगे। आपकी भाषा राम को पसंद है, आपकी बोली राम को पसंद है, आपका यूपी राम को पसंद है साहब। इसीलिए आप सबने आप सोच कर देखिए, 500 साल से राम जी तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा। 65 साल सरकारें रही, किसी का दिल नहीं दुखा। सोच कर देखो, यहां मेरे नौजवान भाई जिनकी शादी को 10 साल हो गए हो और गोद में 5 साल का बच्चा हो और छत किराए की हो, रोज शाम को एक ही चर्चा होती है कि खुद का मकान कब होगा, खुद का मकान कब होगा। वो सीता माता भी रोज राम जी को कहती होगी, राम देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हमारा खुद का महल कब होगा। ये कब तक बंदूकधारी हमारे पीछे खड़े रहेंगे, कब तक ये कांटे लगे रहेंगे। त्रेता में तो हनुमान थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्य अभिषेक कर गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा। तब राम जी भी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा, और ये राम भी महलों में चला जाएगा। इसलिए वही दिन आए हैं, मिलकर गाना, मेरी झोपड़ी के बागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागा खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के। मैं कहूंगा मेरी झोपड़ी के, आपके हाथ उठ के लगना चाहिए जय सियाराम। मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम जन जन के राम आएंगे, मेरे मन में राम आएंगे, इस दिल में राम आएंगे, यूपी में राम आएंगे, महलों में राम आएंगे, हनुमत के राम आएंगे, अज सीता राम आएंगे,
याद है ना क्या करना है? मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मैं चाहता हूं कि एक जोड़ी हमारे बीच में है सीताराम जी की, एक बार खड़े होकर यहां तक आ जाएंगे तो सबको लगेगा राम आ गए। दोनों हाथ उठाना जरा एक बार, दोनों हाथ उठा के जरा स्वागत करिए बात, एक दो तीन चार बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दोनों हाथ उठा के स्वागत हो जरा, जय जय में तीन तीन महीने के बच्चे को भी गोद में लेकर आए हैं लोग। क्यों आए हैं? क्योंकि ये चाहते हैं हमारे बच्चे राम की भक्ति में लगे होने चाहिए, और मेरा वादा है ये बच्चे जब बड़े होंगे ना तो ये नहीं कहेंगे पापा मुझे शिमला लेके चलो, ये कहेंगे पापा अगले संडे हम भी फ्री हैं, आप भी फ्री हो, हम अयोध्या जी चलते हैं राम के दरबार में। राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी, मैं दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। अब आपको याद है क्या करना है? ओ मेरी जिंदगी के, जितने भी कैमरे हैं इनकी तरफ फोकस होना चाहिए, कैमरामैन फोकस, उठाओ दोनों हाथ, पता लगे किस किस के नाम आ रहे हैं, जरा शोर मचा के जय श्री राम। आपकी बारी आ गई है, ओ मेरी जिंदगी के, देखो ठंड तो नहीं लग रही किसी को, इसीलिए मैं आगे आकर गा रहा हूं। अगर आप बिना छत के तो मेरा भी अधिकार नहीं है कि मैं छत में गाऊं, इसीलिए आगे आकर गा रहा हूं, और कोई कारण नहीं, प्रबंधक हैं, हर चीज का प्रबंध करते हैं। ये प्रेम है आप सबका जो आपने इस प्रकार लुटाया है। राम आएंगे तो जय हो। मैं समा जाऊंगा हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी भी हमारे बीच आए हैं, और खूबसूरती देखिए 9 बार के विधायक हैं, 9 बार के। इतना प्यार भारत में बहुत कम लोगों को मिलता है, ये प्यार ही है। और वित्त मंत्री जी आए हैं, देश के अंदर राम जी का खजाना,
और हमारे यूपी के खजाना मंत्री आए हैं, ताली बजे जरा दोनों हाथ उठा के स्वागत में ये बात। और राम आएंगे तो पाल ना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पाल ना झुलाऊंगी, और मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। अच्छा, इधर वाले तो पास हो गए, इधर वालों की बारी। मेरी जिंदगी के जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, अजी सीता राम आएंगे, सीता राम आएंगे, लक्ष्मण के राम आएंगे, राम आएंगे, हनुमत के राम आएंगे, हनुमत के राम आएंगे, सीता के राम आएंगे, सीता के राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के स्वागत की प्रथा है। हमारा दैनिक जागरण परिवार वित्त मंत्री जी का स्वागत कर रहा है, जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए, जो समय निकाल कर भजन संध्या में आए हैं। जय हो, जय हो, जय हो। अब उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है, तोड़ा है जी तोड़ा है, रघुवर ने नाता जोड़ा है, तोड़ा है जी तो वैसी ही बात हो गई कि शासन तो सबका रहा लेकिन राम मंदिर का फैसला कोई नहीं लेकर आ सका। इसका मतलब कि धनुष तो सबके लिए रखा गया था लेकिन राम की तरह उस धनुष पर कमान कसने वाला कोई नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री आए जिनकी अगुवाई में आज राम मंदिर तैयार हो रहा है, जोरदार तालियां बजे। और आप भी गाइए प्रेम से, अब उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है, राम खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे राम आएंगे, आपको गाना है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, जय हो, जय हो लखनऊ वालों, जय हो आपकी, क्या बात है, क्या कोई कहेगा मैं राम का बड़ा भक्त हूं, एक बार आकर लखनऊ देख ले, हर गली में राम का भक्त मिलेगा उसको साथ। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा, दोनों हाथ उठा के रजिस्ट्रेशन करा लेना अपनी, दोनों हाथ खोल कर, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा।
भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले राम भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा घर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा घर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत में कईयों के दिल जल गए कि वहां दिए क्यों जल गए उठाना दोनों हाथ जिसके दिए जलते हो बस्ती में एक दा जय जय सियाना सनातनी टाइम पे बनते हैं जिस राम सेतु पे उंगलियां उठाते थे उन्हें समझ आ गया राम सेतु छोड़ो राम सेतु है और राम ना होता तो तू भी ना होता साहब अब वो भी सरयू जी में डुबकी पे डुबकी डुबकी पे डुबकी डुबकी पे डुबकी जो ना पहले भारत का बच्चा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा लखनऊ का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा लखनऊ का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा जय श्री राम राम जी फिर हनुमान जी फिर हमारे मोदी जी और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी उनके लिए भी जरा दोनों हाथ उठे आजकल बुलडोजर भी भगवे रंग के आते हैं भगवाधारी जा गए तंबू से महलों में आ भगवाधारी
सेवाधारी आए हैं कि नहीं आए, हाथ उठा के इसमें कुछ चार लाइनें लिखी हैं, मैं चाहता हूं आप सब गाएं ताकि यहां बैठे। राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, और अगली दो लाइनें अच्छी हो तो आपका नारा अपने आप लगना चाहिए। राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम, नारे बहुत हैं दुनिया में, जय श्री राम सा नारा नहीं, जय श्री राम, राम से बड़ा कोई नाम नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, नारे बहुत हैं नस में राम समा गए, नस नस में राम। अरे ये लोग जो हमें हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हिंदू बटने वाला नहीं है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। नस नस में राम समा गए, नस नस में राम समा गए, तंबू से महलों में आ गए, भगवाधारी जा गए, प्रदेश पुलिस के लिए भी दोनों हाथ उठा दो भाई, जरा ताली बजा के जोरदार। ये बात एक दो तीन चार, राम नगरी सज रही है दोबारा, राम नगरी सज रही है, राम नगरी सज रही है दोबारा, राम नगरी सज रही है दोबारा, क्यों अयोध्या मेरे राम आए हैं, अयोध्या मेरे राम आए हैं, अयोध्या मेरे राम आए हैं, अयोध्या मेरे राम आए हैं। खत्म हुई हुई दूरी, अब तो हुई है पूरी, ढोलिए बजाए कब तिलक ये लगाए, त्रिकुटा के तट पे संत जन गाए, राम नगरी, आपने कहना राम नगरी, राम नगरी, और राम नगरी नगरी और राम नगरी सज रही है दोबारा, राम नगरी, अयोध्या मेरे राम आए हैं, 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 मेरे राम आए हैं, मंगल भवन है
हा मंगल हारी मंगल भवन राष्ट्रीय लक की कर लो तैयारी कौन कौन तैयारी करे बैठा राष्ट्रीय लक की मंगल भवन अमंगल हारी राष्ट्रीय लक की कर लो तैयार प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी आ रहे हैं भगवाधारी आ रहे हैं भगवाधारी। पांच कालिदास में बैठे एक तो मित्तल के आंसू आ गए तंबू से महलों में आ गए भगवाधारी छा गए राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालन हारी आनंद आया कि नहीं आया एक बार जोर से कह दो जय श्री राम 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 राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी मेरे राम जी की लीला है न्यारी राम जी की लीला है हनुमान जी भी बैठे हैं तो देखो हनुमान जी ना नाचे तो ऐसा नहीं हो सकता आज अरे अब काय का खबराना साहब पता है भारत की पहली फ्लाइट चली है इतने सालों में भारत की पहली फ्लाइट चली है दिल्ली से जो जब उड़ने शुरू होती है तो जय श्री राम से उड़ती है और अयोध्या में लैंड होती है तो जय श्री राम के नाम से होती है त्रेता में भगवान ने अपने लिए पुष्पक विमान विभीषण जी ने भेजा था लेकिन कलयुग में राम जी ने अपने भक्तों के लिए पुष्पक विमान भेजा हुआ है जो सीधा अयोध्या लैंड होता है माइनस अयोध्या सज गई है सरकार देखो यूपी में एक बड़ी खास बात है बाकी जगह जयकारा लगता है जय सिया राम लेकिन उत्तर प्रदेश में पता क्या लगता है जय 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 सिया राम ये मैंने सीखा यहां से ये यहां से सीखा एक बार अपने लिए तालियां बजा दो और गाना अयोध्या जाके आए आप सभी कौन कौन जाके आया वाह जी वाह मैं पहली बार अयोध्या जी गया पहली बार और मेरा वादा था राम जी से कि मैं ऐसे नहीं आऊंगा जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता जब मैं महलों में रहता हूं तो मुझसे मेरा बाप भी तंबू में देखा नहीं जाता साहब जब आप महलों में आ जाओगे तो मैं भी दर्शन करने आ जाऊंगा अब राम जी आ गए तो मैं भी दर्शन करने आ गया साहब लेकिन सही मायने में आंखें भर जाती है जब सोचते हैं इस बारे में सीता जी आपको पता है हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं जवाब देना जोर से जो मैं पूछ रहा हूं सीता जी इतनी कोमल थी कि जब सूर्य निकलता था ना तो सीता माता के आगे 14 पर्दे किए जाते थे एक एक पर्दा हटाया जाता था
सूर्य के जब वो करीब जाने लगती थी, इतनी कोमल थी। और उस सीता माता को, जनक दुलारी को विवाह के बाद वनवास मिला, क्या महल मिला? जोर से बताना, मिला। रावण हर के ले गया, क्या वहां महल मिला? वापस आई, दूसरे वनवास में चली गई, क्या महल मिला? आवाज नहीं आ रही, क्या मिला? दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया वनवास में, क्या महल मिला? धरती से उपजी सीता धरती में समा गई, क्या कभी महल मिला? तो जो काम त्रेता में नहीं हुआ, वो काम कलयुग में होने जा रहा है। राजा राम के साथ महारानी सीता को भी महल मिलने जा रहा है, इसीलिए ये दुनिया हर्षा रही है। और मिलकर गाना, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है। सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या। मैं जब से राम मंदिर का फैसला आया है, लगभग 5 साल से मैं महीने में 28 दिन कार्यक्रम में होता हूँ उस दिन से, और एक एक कार्यक्रम में 10-10 हजार लोगों को सिर्फ यही कहता हूँ कि जो राम का है वो हमारा है, और जो राम का नहीं वो हमारा भी नहीं। रोज 5 साल से इंतजार कर रहा था, कब ये घड़ी आएगी। 22 जनवरी नहीं आई साहब, एक मुर्दे में जान आ गई है। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के, हाँ। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, सरकार अयोध्या सज गई है सरकार। दोनों हाथ उठा के लहरा दो जरा अयोध्या वाले, अयोध्या धाम की, दुखड़े झेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी। हमें ठंड लगी तो हीटर लगा लिया, सर्दी लगी तो हीटर लगा लिया, गर्मी लगी तो एसी चला लिया। वो राम जी तंबू फटता था ना, और अगर उसी समय बारिश आ जाती थी तो आप तंबू सील नहीं सकते थे। राम तो बारिश में बैठना ही पड़ेगा, और आपको तंबू सीलने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब जाके तंबू सील पाओगे। तंबू में थे अकेले राम जी, तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी,
पूज्य महाराज जी ने जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, बाबर फैजाबाद बना के गया था, पूज्य महाराज जी ने अयोध्या जी कर दिया साहब। तब थी फैजाबाद अयोध्या, तब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या, सारा भारत मिलने तुमसे, सारा भारत मिलने तुमसे, आए आपके द्वार अयोध्या। सिर्फ अयोध्या जी बोलना, अयोध्या अयोध्या, सज गई है सरकार जो जा, सज गई है सरकार अयोध्या, सज गई है सरकार। सोच कर देखो, सरकारी बस लखनऊ से फैजाबाद जाती थी, कभी नहीं छूते थे उसको श्रद्धा से, फैजाबादी तो जा रही है, लेकिन अब जब सरकारी बस लखनऊ से अयोध्या जाएगी तो ना चाहते बस को छू दोगे कि हमारे राम के घर पे जा रही है, हमारा प्रणाम भी चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हमारे पंजाब में कहते हैं जिनके हाथ थल्ले, थल्ले मतलब नीचे, जिनके हाथ थल्ले उनके पड़ता कुछ कुछ पल्ले, और जिनके हाथ ऊपर उनकी बल्ले बल्ले। तो जिसकी बल्ले बल्ले चाहिए जरा ताली बजे जरा जोरदार, ये बात। 1 2 3 4 अयोध्या नगरी की, इसको आने दो, हाँ इसको भेजो यहाँ मंच पे, ले रहा उधर को मुंह करके, आ जा ऊपर, आ जा, आ जा, आ जा इधर, आ जा और घूम जा, घूम जा, घूम जा, बीच में आओ, बीच में सेंटर, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, ताली बजाओ जरा इसके लिए। स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, बोल रही जय हो अवध बिहारी, बोल रही है जय हो अवध बिहारी, जय हो अवध बिहारी, बोल रही है जय हो अवध बिहारी, बोल रही है जय हो अवध बिहारी। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजे, स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, बोल रही जय हो अवध बिहारी, बोल रही है जय हो अवध बिहारी। कितने वर्षों बाद राम के, कितने वर्षों बाद राम के, रास तिलक की है तैयारी, रास तिलक की सज गई है भारत की भूमि, सज गई है भारत की भूमि, सज गई है भारत की भूमि, सभी है तैयार अयोध्या, सज गई है सरकार अयोध्या, सज गई है सरकार अयोध्या, सज गई है सरकार अयोध्या, सज गई है सरकार। अब ना देर लगाओ मेरे रामा,
सज गई है सरकार, अयोध्या 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 सज गई है सरकार। अवध की माटी बनी है चंदन, बड़ी खूबसूरत एक बात हुई है। अयोध्या जी के एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? भगवान वाल्मीकि जी के नाम से। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, कारण मैं जिस क्षेत्र से आता हूं चंडीगढ़, वहां पंजाब पड़ता है, और भगवान वाल्मीकि जी का तीर्थ स्थल सबसे बड़ा अमृतसर में, जहां लवकुश का जन्म हुआ। आप सोचिए, पंजाब का कोई अयोध्या जी आएगा तो वो पंजाबी नहीं कहलाएगा, अब तो पंजाब से लवकुश आएंगे जो अयोध्या में दर्शन करके जाएंगे, और भगवान वाल्मीकि सबसे पहले नजर आएंगे जो भी अयोध्या जी में लैंड करेगा। जरा ताली बजे ऐसी सोच के लिए। ये बात, अवध की माटी बनी है चंदन, अवध की माटी बनी है चंदन, राम लला का हो अभिनंदन, जलाओ खुशियां गाओ, जलाओ इन पे बारो अपना तन मन, अपना तन मन, भगवान फिर से मैं देख रहा हूं भगवे पटके हैं सबके गले में। लहर तो पहले गया था, अब क्या है, भगवा फिर से चमक गया है, नाच रहे हनुमान। कौन कौन चाहता है हनुमान जी यहां पर आए? दोनों हाथ उठाना, एक बार हनुमान जी आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। भगवा फिर से चमक गया है, तो मैं ऊपर क्या करूं भाई, पाप लगेगा मुझे, इसलिए आप भी जरा दोनों हाथ उठा के, कौन कौन हनुमान जी का बच्चा है? देखो, ना हम सम्मान के लिए जीते हैं, ना हम स्वाभिमान के लिए जीते हैं, हम तो बस अपने हनुमान के लिए जीते हैं साहब। ओ छम छम नाचे देखो भी हनुमान, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, सर्दी तो नहीं लग रही ना लखनऊ वाला, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं उनके सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं उनके सीने। मेरा आकलन अलग है, मेरा मानना है कि आपका हृदय साफ होना चाहिए, किसकी तरह, शीशे की तरह। हनुमान जी का हृदय साफ था,
और सामने राम सीता बैठे थे। जैसे ही सीना फाड़ा, अंदर शीशा था, तो जो सामने था वो शीशे में आ गया। आपके दिल में भी राम सिया रहते हैं अगर आपका दिल साफ है तो। किस किस के दिल में राम सिया रहते हैं गाओ एक बार। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, 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 मेरे सीने में। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये नशे की तरफ भागते हो या कोई गलत चीज की तरफ भागते हो। अब तो डिस्को वाले भी इधर को खिसको हो रहे हैं क्योंकि राम जी के बगैर किसी का गुजारा नहीं। ये बॉलीवुड, ये इधर उधर जो भी बनाते थे उल्टा सीधा सब हो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा भाईगा, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा भाईगा, ओ मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम, संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं नाम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरी राम जी से कह देना, मेरी राम जी से कह देना, मेरी राम जी से कह देना, ओ मेरी राम जी से कह देना, जय जय सियारा। आइए चलते चलते जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज सच में मैं दिल की गहराइयों से दैनिक जागरण का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतनी खूबसूरत ये शाम राम भक्तों की। मैं आया तो भजन संध्या के लिए था लेकिन सही मायने में राम के भक्तों से मिलकर जा रहा हूँ, यानी राम से मिलकर जा रहा हूँ। मैं भजन संध्या करके नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अयोध्या के राम जी को आप में देख कर जा रहा हूं। जय हो। मेरा सल्यूट स्वीकार करे लखनऊ वासी। उससे पहले हमारे मंत्री जी की इच्छा इतिहास बना दूंगा, ये भजन जरूर हो यहां। तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा लखनऊ सजा दू सजा। कौन कौन सुनना चाहता है एक बार कह दो खाटू नरेश की। कराऊं ऐसा
आज इतिहास बना के नहीं बना, दोनों हाथ उठा के एक मैं भाई भतीजों के राजी और मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा। मेरे धर्म के चाचा लगते हैं ओराजी, इसलिए कह रहा हूं मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। लखनऊ के फूलों से श्रृंगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लखनऊ के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, लखनऊ के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, मैं कीर्तन कराऊं ऐसा, जिंदगी में कभी हंसी कभी खुशी तो कभी गम होता है, होता है, और मेरे ठाकुर जी के लिए ताली वही बजाता है जिसकी तकदीर में दम होता है। दोनों हाथ उठा के, और मेरे नौजवान भाई, ना किसी के गोरे गाल पे मरो, गोरे गाल पे मरो, ना किसी के लंबे बाल पे मरो, ना किसी की मतवाली चाल पे मरो, मरना है तो यशोदा के लाल पे मरो। दोनों हाथ उठा के ये मस्ती में एक आओ बाग के पान से, लखनऊ के पान से शाम तुझे भोग लगाऊंगा, लखनऊ के पान से शाम तुझे भोग लगाऊंगा, लेकिन कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना चाहता हूं। ये दो लाइनें अपने माँ बाप के लिए, अपने माता पिता के लिए सभी गाएं। ताली बजा दें जरा एक बार अपने माता पिता के लिए, जोरदार ताली बजे, शोर मचा दो एक बार अपने माँ बाप के लिए। क्या बात है, बोलिए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की। मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, जहां खड़ा हूं वहां
सब तेरी माया है। मुझे सौभाग्य मिला पूजनीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का कई बार आशीर्वाद लेने का। मैंने भजन गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कई बार मन में ख्याल आता है, सामने वाले के भी आता है, हमारे भी आता है, कि क्या लिया जाए इसके बदले। लेकिन सच बताऊं, हमारे बुलडोजर बाबा जीत गए, बस इसके बदले कुछ नहीं चाहिए भाई। और सही मायने में अगर आपको कभी टीवी स्क्रीन पे भी दिख जाए महाराज जी, तो वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें आप प्रणाम करो तो आपको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। मुझे भी मिला, और सच बताऊं मुझे ईमानदारी का आशीर्वाद मिला। ईमानदारी का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। हमने देखे बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के खुद के नाम से ना जाने कितने होटल होते हैं, कितने टोटल होते हैं, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम से सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्रोग्रेस होती है और कुछ नहीं होता। साहब जरा ताली बजा कर गाना। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, मैं जहां खड़ा हूं वहां सब तेरी माया है, मैं जहां खड़ा हूं वहां। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की। खुद पे लुटाता है मैं तेरे खातिर लुटा दूंगा, खुद पे लुटाता है मैं तेरे खातिर लुटा दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूं। मुझे पता है दो लाइनें आप सब सुनना चाहते हैं, सुना रहा हूं। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले लखनऊ। धीरे भी लगा लेने, इनको लगेगा यही मीटर सेट है। बुल खाटू नरेश की, बुली मांगे बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। अरे आने दे भाई, आने दे, ओ बाबा आजा आजा आजा, बड़ी मुश्किल से तो बस बाकी रोक दो बेटा, बाकी बाकी नहीं। आ जाओ बेटा, ताली बजाओ जरा बच्चों के लिए, खुश रहो ठीक है, ओके। अगली बार जैकेट लाओ तो तीन लेके आना, एक मेरी भी लेके आना, सेम सेम। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे कपिल जायसवाल जी का, जिन्होंने इतना प्यारा मुझे अवसर दिया। एक बार जोरदार तालियां बजे हमारे कपिल जायसवाल जी के लिए। हाँ बेटा नमस्कार। देखो बेटियों के लिए ताली बजाओ, बेटियां हर घर में नहीं होती, क्योंकि बेटियों को पालने की औकात हर किसी की नहीं होती, इसलिए बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाया करो। शुक्रिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम
कुछ लोग हैं जो भारत में ही रहते हैं, और जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है क्रिकेट का, और जब पाकिस्तानी चौके लगाता है तो बम बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। किसी ने पूछा कन्हैया जी ऐसे लोगों का क्या करें, मैं बोला इन्हें डब्बे में बंद करके पाकिस्तान ही भेज दो, यहाँ के काबिल नहीं है ये। और अगर इनको फिर भी अकल नहीं आती तो 2-4 साल और रुक जाओ, पीओके छोड़ो, पाकिस्तान भी भारत में ही होगा, चिंता क्यों करते हो। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अपने देश पे गर्व किया करो। हमारा वो देश है जो संस्कृति में सबसे उच्च कोटि पर है। दुनिया कोविड से लड़ रही थी लेकिन हमारा देश सबसे पहले वैक्सीन बनाकर खड़ा था। गर्व किया करो अपने देश पे। और उस दिन मजा आ गया जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत में आकर बोला कि मेरे जो कोविड की वैक्सीन लगी है भारतवासियों, इंग्लैंड की नहीं, तुम्हारे भारत की बनी हुई लगी है साहब। पहले कहते थे कि अमेरिका की तरफ मुंह करके सो जा बेटा, आज अमेरिका वाले कहते हैं कि भारत की तरफ मुंह करके सो जा बेटा, सो जा आराम से। हमें कहते थे यू इंडियन, आज कहते हैं आर यू इंडियन साहब। और देश में पहले प्रधानमंत्री ऐसे आए जो शिवलिंग पे सिर्फ जल नहीं चढ़ाते, काशी के छोटे से मंदिर को, 1000 गज के मंदिर को 1,00,000 स्क्वायर फीट में खड़ा कर बन जाते हैं। ये प्रधानमंत्री हैं जो जल नहीं, पूरा रात रुद्र अभिषेक करके ही उठते हैं साहब। इसलिए अपने देश पे गर्व किया करो। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां राम सेवकों पे गोली चलाई गई, और अब ये वही उत्तर प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री राम सेवकों पे फूल बरसाते हैं। ये हमने चुना है, जो भी चुना है। पहले कांवड़िया चलता था तो डीजे बंद करवा दिया जाता था, आज कांवड़िया चलता है तो योगी बाबा का हेलीकॉप्टर फूल बरसाने के लिए जाता है। ये सनातन धर्म है साहब, और ये जीत नहीं है कहीं आप सोचो हमने किसी को हरा दिया, नो, ये सनातन है जिसको दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है कि हमने कभी भी कुछ भी लड़के हासिल नहीं किया, सिर्फ प्रेम के दम पे हर चीज को किया है। कभी भी किसी चर्च को ढाकर हमने मंदिर नहीं बनाया, किसी मस्जिद को गिराकर हमने मंदिर नहीं बनाया, किसी गुरुद्वारे को गिराकर हमने मंदिर नहीं बनाया। हमने तो जहां मंदिर था उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, हमने उसी को हटाकर वापस मंदिर बनाया है साहब। हमने किसी का मस्जिद गिराकर मंदिर नहीं बनाया। जो जैसा था वैसा किया है, जो जैसा था वैसा किया है साहब। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम। देखो यूपी तो हो गया, अब भारत में लहरेगा कि नहीं लहरेगा, तो आ जा भाई जरा जोर से। दोनों हाथ उठा के जरा लहरा दो मिलके, 1, 2, 3, 4। क्या बात है, क्या बात,
मथुरा सजेगी कि नहीं सजेगी, मेरे पास गारंटी है। पता है क्या, जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे तो रामनाथ जी राम मंदिर का फैसला लेकर आए, अब माननीय द्रौपदी आई हैं तो मथुरा तो सजाकर जाएगी कि नहीं जाएगी। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। सच बताना कौन कौन नाचा था जब ये भजन आया था, कौन कौन नाचा था? क्या बात है भाई, ये बात। और जैसे नाचे थे ना वैसे नाच के बताना जरा ये बात। एक दो तीन चाहता हूं। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू हम ना 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 ना, मुसलमानों में मुसलमान पैदा होते हैं, क्रिश्चनों में क्रिश्चन पैदा होते हैं, सिखों में सिख पैदा होते हैं, लेकिन हिंदुओं में बणिये पैदा होते हैं, यादव पैदा होते हैं, जाट पैदा होते हैं, हिंदू पैदा ही नहीं होता साहब। वादा करो ये जाति पाति को छोड़कर सिर्फ हिंदू की बात करेंगे। गाड़ी के पीछे अगर लिखाएंगे तो यादव मित्तल गुप्ता नहीं, सिर्फ हिंदू होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? अरे कट्टर हिंदू आए हैं क्या? कट्टर हिंदू हैं हम, कट्टर हिंदू हैं। जो जो जाति पाति को छोड़ेगा अपने मोबाइल की लाइट जगा के बताओ जरा, अपने अपने मोबाइल की लाइट जगनी चाहिए। ये स्टेज की लाइट कम कर दो जरा, नजर आए लखनऊ में कितने लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं। अपने अपने मोबाइल की लाइटें जगाकर बताना, अभी भी कम दिखाई दे रही हैं, पूरी जलाकर बताना। क्या बात है, कट्टर हिंदू हैं हम, कट्टर हिंदू हैं हम, कट्टर हिंदू हैं हम, कट्टर हिंदू हैं हम, बस राम की बात करे। कट्टर हिंदू हैं हम, बस राम की बात करे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए, फिर से हम भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जय हां, फिर से हम भगवान लहराएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान कहते कन्हैया जी आप राजनीति की बात करते हो भजन में। मैं बोला नहीं साहब, मैं रामनीति की बात करता हूं। अगर मेरे अयोध्या राम मंदिर का फैसला कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी ले आते, हम उनके लिए बिगा देते, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। लेकिन जिनको मंदिर कभी नजर ही नहीं आया, इसलिए हमने उनके लिए गाया जिनको मंदिर नजर आया। क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं।
बस इसीलिए मोदी, बस इसीलिए योगी। और मोटा भाई भी किसी से कम नहीं है, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। अच्छा एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाएंगे। अच्छा नीचे से सुनता हूं, आप गाओगे कहीं मैंने। मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे। थैंक यू। अपने आप को पहचानना सीखो, सदैव उनका साथ दो जो तुम्हारे धर्म का साथ देते हो। बंगला गया हुआ आ जाएगा, गाड़ी गई हुई आ जाएगी, धर्म चला गया वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को संभाल के गाना। मोदी जी आए हैं, मोदी आएंगे, भारत को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मुझे लगा इतनी देर हो गई, थक गए होंगे आप, आपके जयकारे में कमी हो गई होगी। भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। मेरे इस भारत को, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम ओ भगवान चिड़िया नहीं है। सोने की चिड़िया था तो लोग लूट के ले जाते थे, अब सोने की चिड़िया नहीं, अब सोने का शेर है। कोई आंख दिखाएगा तो चीर फाड़ देंगे। पाकिस्तान की क्या बात करते हो साहब, मेरा हिंदुस्तान है। दोनों हाथ उठाकर राम को लाए हैं हम उनको। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम ओ भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान। क्या बात है, ये लेफ्ट वाले। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। से निकल गया हो तो क्षमा चाहूंगा, आप ही का छोटा बच्चा हूं, भाई हूं, कोई गलती हो गई तो क्षमा करना, बस राम को दिल में बसाए रखना। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। तो आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री कन्हैया मित्तल जी के लिए, इतना अच्छा प्रोग्राम और भजन संध्या में जान डाल दी। एक बार जोरदार शोर मचा दे आप सभी मिलके कन्हैया मित्तल जी के लिए।
वही शोर में कमी नजर आ रही है। और जी आप सभी, हाँ जी मुझे पता है फोटोज लेने के लिए सब लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन जरा ख्याल रखते हुए क्योंकि भीड़ ज्यादा ना बढ़े।